हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंटीग्रेशन की कोई शॉर्टकट ट्रिक के बारे में बता रहा हूँ। किस तरह से हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं शॉर्टकट टेक्निक से। तो देखें, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें x की पावर 2 e की पावर x है। अब देखिए, ये कौन सा फंक्शन है? ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन होता है और ये एक्सपोनेंट फंक्शन होता है। मानी भाई, तो फंक्शन होते हैं कौन से फंक्शन होते हैं? ये होता है आईलेट, आई एल ए टी ई। जो आई फंक्शन होता है वो क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसे बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट आपका जो एल होता है वो होता है आपका लॉगरिथम फंक्शन, और नेक्स्ट जो ए होता है आपका वो होता है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया और टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया आपका साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन आपको पता ही है, एक्स, एक्स की पावर 2+1। इसी तरह एक्सपोनेंट फंक्शन जो होता है आपका ई की पावर 2x, ई की पावर 4x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये आईलेट क्वेश्चन पे डिपेंड होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, कि फर्स्ट फंक्शन आपका क्या होता है? एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। ये आपका कौन सा फंक्शन है? 1, 2, 3, 4, 5। सब लास्ट में आ रहा है, तो ये सेकंड फंक्शन होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम आईलेट मेथड सॉल्व ना करके एक इजी मेथड से सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव से। इसे सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव से। इस डेरिवेटिव से क्या होगा, हम इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। सबसे पहले मैं आपको डेरिवेटिव के बारे में बताता हूं। डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन इज इक्वल टू, एल्जेब्रिक फंक्शन है एन, एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, जैसे आपकी एक्स की पावर इसमें कितनी है? 3 है। डेरिवेटिव सॉल्व करना है आपको एक्स की पावर 3 का, तो एन की वैल्यू कितनी है इसमें? 3 है। 3 एक्स, एन की वैल्यू कितनी है? 3। 3 माइनस 1 2, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 3 का हो गया 3x की पावर 2। तो हम इस इंटीग्रेशन क्वेश्चन में डेरिवेटिव के फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ये टेक्निक है, इससे आप किसी भी कंपटीशन में आपको 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट आपको ये फंक्शन है e की पावर x, एक्सपोनेंट फंक्शन को आप पहले लिखोगे, देन आप एल्जेब्रिक फंक्शन को लिखोगे, देन उसके बाद आपका होगा ये प्लस का साइन है, तो देन नेक्स्ट साइन होगा आपका माइनस का। टेक्निक ऐसे चलनी है, पहले आप एक्सपोनेंट फंक्शन को लिखोगे, देन एल्जेब्रिक फंक्शन को, ये प्लस है तो देन माइनस। एक्स की पावर 2 का डेरिवेटिव ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो क्या होता है? 2x होगा। अभी साइन माइनस का आया, तो माइनस के बाद क्या होगा? प्लस। माइनस से साइन हुआ प्लस का। अब 2x का डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 2x का कितना होगा? इसी फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव होगा 2। ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये आपका शॉर्टकट टेक्निक से हमने सॉल्व कर दिया x की पावर 2 e की पावर x को। अब x की पावर कितनी हो जाए, चाहे x की पावर 4 हो, 3 हो, आपको इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, x की पावर 4। ठीक है, अब मैं क्या डिफरेंस में, इसमें x की पावर आपकी 2 थी, इसमें x की पावर 4 है। ठीक है, सेम है मगर इसमें डिफरेंस क्या है, x की पावर 4 है, इसमें 2 थी, तो वही रूल लगेगा आपका इसमें भी। फर्स्ट एक्सपोनेंट फंक्शन, देन ब्रैकेट, देन आएगा एक्स की पावर 4, ये साइन प्लस का है, देन माइनस का। एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होगा?
ये पावर अप्लाई करोगे आप 4x की पावर 3, अब माइनस है तो प्लस, देन 4x की पावर 3 का डेरिवेटिव 3 मल्टीप्लाई 4 12x की पावर 2, ठीक है, ये प्लस साइन है, उसके बाद माइनस साइन होगा, x की पावर 2 का डेरिवेटिव कितना होगा 2x होता है, 2x मल्टीप्लाई 12 24x, अभी साइन माइनस का है तो माइनस के बाद साइन किसका आएगा प्लस का, तो x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो प्लस 24 आ गया, ठीक है। इस मेथड से हमने इसको इजी मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको आईलेट मेथड से करोगे, ठीक है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आईलेट मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बस से तो लॉन्ग पढ़ते हैं, मतलब कंप्लीशन पर्पस के लिए आपको शॉर्टकट टेक्निक बेस्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स।